नमस्कार दोस्तों, थोड़ी सा व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कहीं पर पैसा अटक गया है, कर्ज से परेशान हो गए हैं, पैसा आता है रुकता नहीं है, या फिर कह लीजिए कि पैसे के साथ कोई शत्रुता बन गई है कि मेरे पास आता ही नहीं है। अगर इस तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ होती है तो आज का वीडियो बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। लेकिन हमेशा की तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं इस तरह के वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं, बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। और साथ में अगर आपको लगता है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है तो इसे शेयर करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पैसा एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को दोस्त भी बनाती है और इंसान को दुश्मन भी बना देती है। तो पैसा जो है ये बड़ा पावरफुल चीज़ है, क्योंकि पैसे के बिना कुछ भी होता नहीं है, एक पत्ता भी नहीं हिलता है ना। तो पैसा जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक लाइफ का हिस्सा है हमारे लिए, जीविका को पालन करने के लिए, है ना, तो जीविका चलाने के लिए। तो आज जो है उपाय कि कुछ समस्याएं जैसे कर्ज, लोन, किसी को दिया है पैसा वापस नहीं आ रहा है, पैसे की वजह से रोज घुमाया जा रहा है, संबंध खराब हो रहा है, तो इसका भी कोई ना कोई रीजन आप खुद ही बनते, क्योंकि कुछ गलतियां हम अपने दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं। वो गलती क्या है पहले उसे जानेंगे, उसके बाद हम उपाय की तरफ बढ़ेंगे। तो पहली गलती हम कर लेते हैं कि सबसे पहले पैसों को जब गिनते हैं तो उसमें थूक लगा देते हैं। बहुतों की आदत होती है, थूक लगाया और पैसे गिनना चालू कर दिया। सबसे बड़ी चीज, पैसा एक माध्यम होता है हमारी जीविका का, तो उस पर आप थूक लगाते हैं तो सबसे पहले उसे आप गंदा करते हैं, राइट। तो वो थूक लगा के गिनना ना कीजिए। आप किसी भी तरह के का दूसरा चीज़ कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं गिनने के लिए, मगर थूक ना लगाएं। दूसरी बात, हमेशा ध्यान रखिएगा कि पैसे के साथ आपका संबंध बहुत प्यार भरा होना चाहिए। जब आप डील कर रहे हैं, किसी को पैसे दे रहे हैं या पैसे ले रहे हैं, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि उसे एक रेस्पेक्ट के साथ लीजिए, ठीक है। तीसरी बात, ध्यान रखने योग्य बातें हैं। बहुतों की आदत होती है कि मनी बैग को किधर भी फेंक देते हैं, ऐसे उछाल के फेंकते हैं, या फिर कोई सिक्का है उसे जैसे तैसे फेंक देते हैं, रुपए पैसे के अगर बंडल है वो भी फेंक देते हैं। इस तरह की चीज़ें अगर आप लोग करते हैं तो ये माँ लक्ष्मी का अपमान होता है, क्योंकि इसी पैसे से हमारी जीविका भी चलती है, तो इसका सम्मान करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि आप लोगों से ये गलती ना हो। अगली जो आप लोगों को गलती पर ध्यान देना है कि खाना पकाते समय जूठा खाना कभी भी ना किसी को परोसे और ना ही टेस्ट करते हुए खाने को आप लोग बनाए फिर किसी और को दे, क्योंकि नियम है कि खाना बनाते वक्त जब खाना आपका फिनिश हो जाए तो थोड़ा सा खाना अग्निदेव को अर्पित किया जाता है, उसके बाद ही आप किसी और को दे सकते हैं। लेकिन अग्निदेव को देने से पहले भी अगर आपने जूठा कर लिया टेस्ट के लिए तो ये जूठा माना जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान बिल्कुल रखिएगा। अगली जो बात का ध्यान रखना है कि हमेशा कोशिश कीजिएगा कि जहाँ आप पर्स रखते हैं, जहाँ आप पैसे रखते हैं, वो बहुत ही साफ़ सुथरा स्थान होना चाहिए। स्पेशली वहाँ पर गोमती चक्र होना चाहिए, कौड़ी होनी चाहिए, या फिर जहाँ भी आप धन रखते हैं वो जगह किसी लाल या पीले कपड़े से बिछाई हुई होनी चाहिए। वहाँ पर आप धन का स्थान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो ये सारी गलतियाँ होती हैं जिस माध्यम से पैसे पानी की तरह निकल जाते हैं वो नहीं निकलेंगे। अब मैं उपाय की बात करती हूँ। बहुत लोगों का पैसा फंसा हुआ रहता है, कर्ज भी रहता है, परेशानी होती है, कर्ज बिल्कुल जाता नहीं है, हमेशा कर्ज से परेशानी। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताती हूँ। किसी चीज़ का बिल पे करते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं, तो परेशान होकर मत पे किया कीजिए, क्योंकि वो आपको पे करना ही है। तो आप परेशान होंगे तो वो पे नहीं करने पड़ेगा, ऐसा नहीं है, पे आपको करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी आप पैसों का पे करते हो, बिल का हो, क्रेडिट कार्ड का हो, या फिर कोई लोन का अमाउंट हो, तो आप खुश होकर ही उसे पे कीजिए। पता है कि लोग आम जिंदगी में नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बहुत लाइफ को चेंज करने के लिए कारगर साबित होती हैं। अब आती हूँ, अगर धन बुरी तरीके से किसी के पास अटक गया है, सालों से नहीं निकल रहा है, तो इस उपाय को कम से कम 4 महीने तक कीजिए, आपको रिजल्ट जरूर दिखेगा। करना क्या है, सुबह सुबह स्नान करने के बाद आपको एक तांबे के लोटे में सूखी लाल मिर्च के 11 दाने लेने हैं उस पानी में, और सूर्य देव को अर्पण करना है। जब आप सूर्य देव को अर्पण करते हैं तो उस समय आपको 3 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः बोलकर जल को चढ़ाना है।
उसके बाद किसी साफ स्थान में बैठकर सूर्य देव के सामने बैठकर ही 108 बार इसी मंत्र को आपको चैंटिंग करना है। ऐसा अगर आप रोज करते हैं और आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो एक रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं और आपका जो पैसा अटका हुआ है वो भी वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसा जो होता है, क्योंकि सूर्य देव को भी कहा जाता है कि अगर कर्ज से परेशान है तो सूर्य देव को जल चढ़ाना और आपके फाइनेंशियल जो कंडीशन होता है वो उसको अगर अच्छा करना चाहते हैं तो सूर्य देव का ये उपाय बहुत ही कारगर साबित होता है। तो इसे रोज़ किया कीजिए। साथ में हमेशा याद रखिए, जिस घर में आलस होता है, जिस घर में देर से लोग सोकर उठते हैं, जिस घर में हमेशा अनबन लगी रहती है, कलह का वातावरण रहता है, वो इसलिए रहता है क्योंकि आप लोग सूर्य देव का स्वागत नहीं करते। तो जिस घर में सुबह सुबह सूर्य देव का स्वागत होता है, यानी सुबह उठते के सारे दरवाज़ा खोल दीजिए, उनके लिए वेलकम कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, अपनी जो दिनचर्या है वो शुरुआत ही कीजिए सूर्य देव के साथ, तो आप देखेंगे आपके जीवन में धीरे धीरे बरकत शुरू हो जाती है। जिस घर में आलस रहता है, जिस घर में लोग देर से उठते हैं, उनका जीवन भी बड़ा सोया हुआ रहता है, यानी उनका भाग्य भी सोया हुआ रहता है। तो इसीलिए कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ डिसिप्लिन्स होते हैं जिनको मान कर चलना चाहिए, और अगर मान कर चलते हैं तो इस तरह की परेशानियों से सामना नहीं होगा आप लोगों का। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।